क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है? यदि नहीं तो कैसे दर्ज कराएं? आइए हम आपको समझाते हैं आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं। ये जानने के लिए आप electoralsearch.eci.gov.in वेबसाइट खोलें। यहाँ आप तीन तरीके से अपना नाम चेक कर सकते हैं। पहला तरीका है विवरण यानी डिटेल्स पर क्लिक करके, जिसमें आपको अपना राज्य का नाम, अपना नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि और उम्र, जिला और विधानसभा का नाम और कैप्चा कोड भरकर सर्च करना होगा। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो उसकी स्लिप आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। दूसरा तरीका है एपिक कोड पर क्लिक करके। यदि आपके पास वोटर आईडी है और उस पर 10 अंक का वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी एपिक नंबर होगा, ये नंबर राज्य का नाम और कैप्चा कोड भरकर सर्च का बटन दबाते ही यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो आपको उसकी स्लिप उसके स्क्रीन पर दिख जाएगी। तीसरा ऑप्शन है सर्च बाय मोबाइल पर क्लिक करके। यदि आपका मोबाइल नंबर वोटर आईडी से रजिस्टर्ड है तो आप सर्च बाय मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल डालें, राज्य का नाम और कैप्चा कोड डालकर, जिसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आएगी, वो डालने के बाद कोड डालकर सर्च करें। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो आपको उसकी स्लिप स्क्रीन पर दिख जाएगी। यदि फिर भी आपका नाम वोटर लिस्ट में ना दिखे तो आप हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट ceohariana.gov.in ओपन करके नीचे जाएं और आई वांट टू नो पर क्लिक करें और फिर फाइनल इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें। यहां आप राज्य का नाम, विधानसभा का नाम, लैंग्वेज और कैप्चा कोड डालकर सर्च करें, जिसके बाद आपको अपने गांव या कॉलोनी का नाम दिखेगा, जिसके सामने फाइनल वोटर लिस्ट के कॉलम में वोटर लिस्ट डाउनलोड का ऑप्शन होगा। आप वोटर लिस्ट वहां से डाउनलोड करके सीधे अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो कैसे जोड़ें? आप सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यदि आपके पास पहले से इस वेबसाइट पर अकाउंट है तो लॉगिन करिए, नहीं तो पहले साइन अप करके अकाउंट बना लीजिए और पासवर्ड लिखकर रख लीजिए। अकाउंट बन जाने के बाद आप लॉगिन करिए और वेबसाइट के सर्विस में रजिस्टर कम्प्लेन और सजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप येलो कलर वाले रजिस्टर कम्प्लेन ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आप अपना नाम, एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला, विधानसभा, राज्य आदि को भरकर अपनी समस्या अधिकतम 5000 शब्दों में लिखकर सबमिट कर सकते हैं। आप यही प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के ऐप वोटर हेल्पलाइन को डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। यदि आप इन प्रक्रिया से अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करा पाए तो आप 1950 यानी 1950 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने बीएलओ से मिलकर या नजदीकी चुनाव कार्यालय से भी अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट या आधार कार्ड या जॉब कार्ड आदि में से कोई एक प्रमाण होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस जानकारी को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें।